दिमाग में है कि डायरेक्ट आपने जो सिनेमा घर पूरा जो बुक कर लिया और आप फ्री में जो है कस्टमर वगैरह को आप दे रहे हो। हमारे भाई आमिर मर्चेंट जी उनकी तरफ से जो है गेटी गैलेक्सी बैंड्रा का जो है सुबह का 9 बजे का शो। अच्छा, जो गैलेक्सी में आज तक क्या 51 ईयर मेरे ख्याल से ओपनिंग हो गया, 1972 में ये ओपन हुआ था। अच्छा, 51 साल की हिस्ट्री में सुबह का 9 बजे का शो आज तक नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 9 बजे का शो। अच्छा, हमको ये भी सुनने में है कि आपने जो है स्पेशल परमिशन लेकर जो है इसको जो 1:15 बजे का जो शो था उसको 9 बजे कराया गया, पहली बार देखा जा रहा है 51 ईयर्स के बाद। जी, मनोज जिसा जी का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनका हाथ अगर नहीं होता तो सुबह का 9 बजे का शो हम करा नहीं पाते। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी के कर्ता धर्ता मनोज जी है, तो उन्होंने बोला सुबह की परमिशन उन्होंने हमको दी, तो हमने किया है ना, ये फैन लोगों के लिए आमिर मर्चेंट की तरफ से फ्री में टिकट हम दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये भी देखा जा रहा है विवादित बयान आ रहे हैं, कोई कहता है शाहरुख खान को हम चने बिकवा देंगे, कोई कहता है हम उनको जिंदा जला देंगे, तो कोई कहता है हमारे इंसान मुंबई के अंदर ढूंढ रहे शाहरुख खान को, क्या कहेंगे? अरे भाई, मन्नत के बाहर चने बेच बेच के लोगों ने अपने बंगलों खड़े कर दिए, उसको क्या चने बिछवाएंगे लोग भाई, वही तो कहने के बाद। अच्छा, दूसरी बात, क्या इससे शाहरुख खान को फर्क पड़ता है कुछ? अरे भाई, हवाओं के चलने से पत्ते और झाड़े हिले करते, वो तो शाहरुख खान है भाई, वो कहाँ हिलेगा। और खास करके अभी देख सकते हैं आप, अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो पठान मूवी को फ्लॉप करके रहेंगे पूरी ताकत है, ऐसा कहा जा रहा है। भाई देख लो, कुरान की एक आयत है, वो तईज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको ऊपर वाला बनाना चाहे तो पूरी कायनात उसको मिलके झुका नहीं सकती, और ये शाहरुख खान है। भाई वो उनकी दिल में एक बस इच्छा आ गई कि भाई शाहरुख खान के, वो क्या है ना, शाहरुख खान को कहीं ना कहीं वो मोहब्बत करते हैं, वो लाइक करते हैं आमिर मर्चेंट भाई, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ करूं कि शाहरुख भाई के फैन के लिए मैं टिकट फ्री में कर दूं। आमिर मर्चेंट साहब उनके दोस्तों में, फैन में? नहीं नहीं, आमिर मर्चेंट बस उनसे कभी मुलाकात नहीं, बस आमिर मर्चेंट भाई की इच्छा है कि मैं कभी शाहरुख खान से मिलूं, तो हम गैलेक्सी के जो कर्ता धरता है गेटी गैलेक्सी और अपना मराठा मंदिर मनोज दिसाई जी, उनसे बातचीत करके सुबह का 9 बजे का शो स्पेशली खोला गया है इस बार, 51 साल की हिस्ट्री में कभी आज तक नहीं खोला गया। आपको कैसा लग रहा है यार, टिकट फ्री में बढ़ रही है? भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, मतलब मेरे तो भाई आवाज बढ़ गई है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। बाकी यहाँ के जो जितने भी हमारे इनके यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके यहाँ के थिएटर के इनके सबका स्टाफ लोग है, सबका बहुत अपने को एकदम सपोर्ट मिला है, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो भाई ये फ्री में टिकट बांटना मतलब आप समझ सकते हो, और वो भी पठान। हाँ, ये विवादों में चल रही है, वो भाई पठान का टीजर जब आया था तब टीजर में एक डायलॉग था
कि भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम तो बिगड़ गया है। देखो आप किसी को दो ना ऐसा दीजिए भाई। ये लो आ जाओ, चलो आ जाओ। टिकट में बैठ, टिकट बांट रहा हूँ, टिकट बांट रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये रियल टिकट है, कोई फेक थाईलैंड टीवी कभी भी फेक न्यूज नहीं चलाता है। ये रियल टिकट है, ये टिकट देख सकते हैं, देख सकते हो पठान की फर्स्ट शो की। एक डायलॉग था टीजर जब रिलीज हुआ था, कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है, तो मौसम तो बिगड़ चुका है बराबर। मौसम बिगड़, ये भी पहली बार देखा गया है इतने सालों बाद ये फ्री में टिकट बांटी जा रही है। भाई शाहरुख खान से जो मोहब्बत करता है उसमें क्या है भाई, वो छोटा मोटा अमाउंट है भाई, शाहरुख खान की मोहब्बत है भाई वो। फ्री की बात नहीं, बस लोग आ रहे फ्री में, लोग भी अपना टाइम निकाल के आ रहे 3 घंटा भाई, ये भी तो फ्री में आ रहे ना। बिल्कुल, ये मोहब्बत जो जिसको मोहब्बत करता है वो पैसा और वक्त नहीं देखता भाई, वो दोनों देता है। और मैंने ये भी चीज देखा कि काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं फ्री टिकट पाने के लिए, बहुत देर से लोग लाइन में। बस लोगों की मोहब्बत है शाहरुख खान के प्रति, और क्या ही बोलूं मैं, वरना कहां लोगों के पास टाइम है भाई। अगर कोई चीज दुनिया में महंगी है तो वो वक्त है, कोई आदमी वक्त देता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं भाई। पर सर पैसों में भी पठान मूवी टिकट नहीं मिल रही है, पैसों में भी नहीं मिल रही है। अरे भाई बहुत हॉस्टल चल रहा है अभी तक तो, मतलब एडवांस बुकिंग मोर देन 20 करोड़ से ज्यादा हो गया एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे का। ये बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार है, साउथ की फिल्मों ने किया है लेकिन बॉलीवुड भरमास्टर का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया अभी। चलिए और हम आपको लाइन दिखाते हैं, टिकट दे रहा हूँ, टिकट दे रहा अरे आ रहा है तुम्हारा वो भाई, अगले तो आ रहे आप बोलोगे तो रुकेंगे उन लोग। आप देख सकते हैं, आप लोगों के
मोबाइल लाइन लग रही वापस भाईजान मोबाइल लाइन वापस अरे बस तो टिका अरे आराम से बोल ले भाई अरे भाई 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 एक साइड चालू भाई ये लास्ट कर दो अच्छा लग रहा है आमिर मर्चेंट साहब आपको ये टिकट दे रहे वो फ्री की टिकट दी है वो थैंक यू भाई आमिर मर्चेंट बहुत बड़ा थैंक यू इतना बड़ा आप कितने लोग आए हैं हम लोग 5-6 जन आए हैं इसका ट्रेलर देखे आपने हाँ ट्रेलर तो बहुत पहले देखे क्या पूरा गाना याद हो गया थैंक यू आज हम मैं सुनीत मोहिते मैं आमिर भाई के लिए काम करता हूँ आमिर मर्चेंट के लिए और उन्होंने आज की डेट में मतलब पूरा थिएटर ये G7 जो मल्टीप्लेक्स है जिसको हम GT गैलेक्सी के नाम से भी जानते हो पूरा थिएटर बुक किया है 25 तारीख के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो 9 AM और इसके लिए सारे टिकट जितने भी हम लोगों ने लिए हैं सारे के सारे हम लोगों ने फ्री बांटे हुए लोगों में और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरा पिक्चर ये पूरा थिएटर हाउसफुल होने वाला है क्योंकि कहीं भी टिकट अवेलेबल नहीं हो रही थी कहीं पर भी ऑनलाइन या फिर कैसे भी आप बुक करने की कोशिश कर रहे हो तो हो नहीं रही थी पर आमिर भाई ने वो करवा दिया जी 1 रुपया किसी से नहीं लिए जितनी भी टिकट्स लिए सारी की सारी आमिर भाई ने सबके सब फ्री बंटवाए हुए किसी 1 रुपया किसी के पास से नहीं यहाँ तक कि बच्चे भी आए हुए बच्चों को भी मकसद क्या है उनके दोस्त है बस प्यार मोहब्बत और उनको मतलब उनको दुनिया से प्यार है लोगों से प्यार है और वो लोगों के लिए बहुत कुछ करते भी है बहुत सारे लोगों के लिए किया है ऐसे भी जो एसिड विक्टिम जो रहते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने 50 टिकट्स ऑलरेडी रिजर्व में डोनेट कर दी हुई है उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने टिकट्स 100 के आसपास डोनेट की हुई है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल का शो जो आने वाला 25 तारीख का शो है वो बहुत ही हाउसफुल और बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है शुक्रिया फ्री में मिला हुआ टिकट शाहरुख भाई हाँ जो भी दिया उसके लिए भाई थैंक्स भाई उसके लिए फ्रेंड हूँ भाई अच्छा है मेरे को तो अभी फिलहाल एक ही मिला है हम लोग आए थे ग्रुप में हम लोग करीब 25 जन हूँ भाई हाँ सबको मिले फिर कोई आ रहा है फ़ोन किया हूँ भाई आ जाए फ्री में मिल रहा है टिकट आ जा तो हम लोग आए थे इधर टिकट कटाने के लिए ठीक है हाँ लोगों को टिकट अभी बहुत 500,000 ही होगा शायद अभी तो देखा बहुत सारा आदमी है इधर तो हम लोग बोले चल टिकट कराते हैं देखते हैं पठान फिल्म का ट्रेलर देखा हुआ है ट्रेलर देखा हो ना वो सऊदी अरब में भाई का ट्रेलर चला है क्या बोलो यार इनकी मूवी का हम शाहरुख खान की मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं थैंक यू आमिर मर्चेंट सर जिन्होंने हमें फ्री के टिकट दिए आपसे एक पैसा नहीं है फ्री में टिकट का एक पैसा नहीं लिया नहीं बिल्कुल उन्होंने हमसे टिकट का 1 भी रुपया नहीं लिया आपको कितनी खुशी हो रही है टिकट मिल गया मुझे बहुत खुशी हो रही है थैंक्स इसका शो टाइम क्या है आपको पता है हाँ सुबह 9 बजे आप 9 बजे पहुँचे वहाँ पहुँच जाएंगे ये फैन बहुत सबसे बड़ा फैन है हमारे घर का उसकी वस्तु ये
सबसे बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ा फैन मैं शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जिलानी। जिलानी पठान फिल्म की जो टिकट मिली है, पैसे में मिली है फ्री में? फ्री में मिली है भाई, पठान फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी में आमिर मर्चेंट भाई की तरफ से हम लोग को मिली है। सब खुश है, बहुत खुश है, बहुत पब्लिक आई है, बहुत अरेंज करना मुश्किल हो गया था, इतनी पब्लिक आई है माशाल्लाह, बहुत बहुत मजा आ गया। आमिर मर्चेंट साहब का इसमें मकसद क्या है टिकट बांटने? कुछ नहीं, मोहब्बत होगी उनको तो बांट रहे हैं, सब लोगों का भला कर रहे हैं, क्योंकि देखना सबको है, उनको भी पता है, तो बोले क्यों नाम दिखा दे हमारी तरफ से, अच्छा काम है। नहीं, फिल्म के बारे में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं है? देखो पहली बात ना, जो फिल्म के साथ विवाद होता है ना वो ब्लॉकबस्टर तय है, पद्मावत ब्लॉकबस्टर, पीके ब्लॉकबस्टर, पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, वो नहीं है, गारंटी है भाई, गारंटी है, कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। पठान फिल्म की टिकट लेने हैं, आपको कैसे पता चला आमिर मर्चेंट साहब यहाँ टिकट बांट रहे हैं? हम लोग को फोन किया है, फोन किया हम लोग आगे इसका। आप कितने लोग आए यहाँ पे? हम लोग ने पाँच ही आए, पाँच ही आए। आपको ये पठान फिल्म का ट्रेलर देखे? आप ट्रेलर देखा? बहुत जबरदस्त ट्रेलर है, एकदम मस्त है। हम ये देखने के लिए, फर्स्ट शो देखने के लिए पहले से काफी इंतजार में का है। हम लोग दिन में देखा है, तीन बार आया, हमें कितना लगा? तीन बार आया। टिकट का आपसे कुछ पैसा लिए? नहीं नहीं, फ्री में, फ्री में, फ्री में, तीन बार आया था, तीन बार आया। भाई अगर हजार का भी मिलता लेते, अगर फिर मिल जाएगा फिर मजाक लेंगे हम लोग, क्या टेंशन है। आप अमीर मर्चेंट साहब के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देखने के लिए दिया हम लोग को, उनको किनको? हां उनको भी लाइक करो, टिकट दिए, हां बहुत अच्छा आदमी है किनको? अमीर मर्चेंट साहब, अमीर मर्चेंट। हम लोग फ्री में टिकट, सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएंगे? हां पहुंच जाएंगे, आप पूरा रात में जगह देंगे मूवी देखने के लिए, यही बस रहेगा। हां होगा दिखाएगा, चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जिंदाबाद। यस मुझे टिकट मिला है। हाँ आप ये आमिर मर्चेंट साहब ने आपको टिकट दिया? आमिर मर्चेंट साहब ने मुझे टिकट दिया है, फ्री में टिकट दिया है, वो बहुत बड़ा इंसान है। और शाहरुख खान का फिल्म हिट होगा ये मेरा वादा है, और पूरी रात भर मैं यहीं पे रहूंगा देखने के लिए, सुबह 9 बजे का इंतजार रहेगा। सब सब जितने लोग को फ्री में टिकट मिला है सबको बोलूंगा मैं कि भाई लोग जरा दिल थाम के बैठो, जरा दिल थाम के बैठो, आज कल सुबह 9 बजे सब लोग घर पे आने का और मजे से फिल्म देखने का और घर जाने का, बस यही मेरा सबसे निवेदन है भाई लोग। ट्रेलर देगा ना भाई, 25 करोड़ रुपया कमा लिया भाई, ट्रेलर में 25 करोड़ रुपया कमा लिया, तो इतना जब पब्लिक को टिकट फ्री में दे रहा है ना, बहुत दिल वाला इंसान है भाई। मुझे तो टिकट मिल गया है, इसके लिए मैं भी खुश हूँ, जो बाकी सारे को मिला है वो भी खुश है। आप आमिर मर्चेंट साहब के बारे में क्या बोलेंगे? जो टिकट बारे में ये बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, कि हम रिक्शा वाले, हम लोग रिक्शा खा करके यहाँ पे मतलब एक घंटे से वेटिंग कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई रुक जाओ आधा घंटे तो तुमको टिकट देता हूँ। हमको नहीं, सबको दिया है, सबको टिकट मिला है, एक घंटे से मतलब धंधा बंद करके खड़ा हूँ इधर। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं, बहुत बड़ा, और लोग मुझे शाहरुख करके बुलाते हैं, भाई शाहरुख भाई किधर है, मेरा नाम इंजाम आमू ले, लोग मुझे शाहरुख करके पुकारते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई, सच्चे बोलो बहुत अच्छा लगता है। मैं बंगाल से हूँ और शाहरुख भाई के लिए बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। थैंक यू, वेलकम। भाई बहुत परेशान हो गए, इतने शाहरुख भाई के चाहने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। नंबर जब से डाला हूँ तब से फ़ोन मेरा है ना नॉन स्टॉप कंटिन्यू चालू है, तीनों नंबर पे फ़ोन चालू है। मतलब ये भाई पठान फिल्म पता नहीं कहाँ जाके रुकी है, मतलब वो इसका इज द लिमिट बोलते हैं ना, उस तरीके से भाई मुझे लग रहा है ये भाई फाड़ देगी फिर। हमने इसका ट्रेलर वगैरह सब देखा भाई, ट्रेलर तो भाई वो डायलॉग जो है ना, टीजर जब आता है तब कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है। बाकी हमारे आमिर मर्चेंट भाई ने सबके, शाहरुख भाई के चाहने वालों के लिए टिकट उन्होंने फ्री में दे दी, आपने देख ही लिया। शाहरुख भाई कितने आमिर मर्चेंट साहब इतने बड़े फैन हैं, शाहरुख भाई को पहचानते हैं? भाई कभी शाहरुख भाई से मुलाकात तो हुई नहीं, मेरी मुलाकात हुई है शाहरुख भाई से, लेकिन आमिर भाई से कभी मुलाकात नहीं हुई, तो आमिर भाई मिलना चाहेंगे शाहरुख भाई से, अगर शाहरुख भाई तक ये न्यूज़ जाती है तो। शाहरुख भाई तो भाई वो तो दिलदार आदमी है, कभी भी बुला सकता है। अरे भाई फोन बज ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, भाई चालू है। वायरल कैसा हो गया भाई? चलो भाई चल रहा है एकदम। और जिसने दिया है आमिर मर्चेंट साहब ने, उनका थैंक यू है। आमिर मर्चेंट साहब उनके बहुत बड़े फैन हैं या उनके दोस्तों में? मतलब देखे थे हम तो, नाम अभी सुन रहे हैं कि उन्होंने दिया है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फ्री में दिए हैं। आप सवेरे 9 बजे पिक्चर देखने आएंगे? जी जी। आप शाहरुख खान के फैन हैं?